लोकसभा चुनाव के चुनावी चर्चा में हम अभी पहुंचे हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के सबलपुर पंचायत स्थित फतेहगंजपुर दलित बस्ती में। ये दलित बस्ती है और यहाँ जो देख सकते हैं रास्ता, जो सबसे पहले रास्ता है यह पूरी तरह कच्ची है। पटना से राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना नगर निगम से 5 किलोमीटर दूरी पर यह सबलपुर पंचायत है और यहाँ इस रास्ते को देख सकते हैं, ना नाला है ना, ये स्थिति है। चुनाव में क्या माहौल है, क्या लोग सोचते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो सब, क्या नाम हुआ आपका? हमारा तेजस्वी प्रसाद होगा नाम। छोड़िए तेजस्वी जी, ये बताइए, माइक छोड़िए, ये मेरा काम है। हाँ, आप सिर्फ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या ये तो पूरा दलित बस्ती है? दलित बस्ती है। आप भी दलित में आते हैं? गरीब सेवा में हम लोग आते हैं। अच्छा। गरीब का पंचायत है। तो आप भी दलित में आते हैं? एकदम दलित में आते हैं। ये देख रहे हैं कि रोड उड आपका, आप लोग ना मोदी जी को देखना चाहिए, 40 साल उनको दिए हैं, फिर अभी कह रहे हैं। 40 साल तो मोदी जी नहीं रहे, 40 साल तो कांग्रेस रही है। कांग्रेस रही है तो कांग्रेस ने अभी कहाँ कहाँ क्या क्या कर दिए? कांग्रेस जी कहाँ कहाँ क्या किए हैं? राहुल गांधी 600 में सिलेंडर बांट रही है, 500 में बांट रही है। हाँ, बांट रही है, फ्री कर दिए। अब ये जुमला के बाद मतलब की दिल्ली का जो केजरीवाल है उनको जेल में डाला गया है। ये बताइए आपका सांसद कौन है? सांसद तो मेरा है वही रविशंकर प्रसाद जी। हाँ, रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी क्या किए? कुछ नहीं किए अभी तक, कुछ नहीं किया। यहाँ पर कहाँ किए, देखे के चीज है। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत कुछ कर दिए। कुछ किए आपके नजर में? कुछ मेरा नजर में तो कुछ नहीं हुआ। मेरे नजर में कुछ नहीं हुआ है। आप वोटर है ना? क्या नाम हुआ? नीरज। क्या नीरज पासवान? नीरज जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल क्या कहेंगे? 5 साल के बाद फिर एक बार आएंगे, एक दिन के लिए आएंगे, फिर 5 साल के बाद गायब हो जाएंगे। बोलिए तो क्या वोट जो होगा, वोट किस आधार पर होगा? वोट किस आधार पे होगा आप बताइएगा। हम लोग क्या है, हम लोग तो क्या वोट दे है? हम लोग तो अब नोटा का यूज करेंगे। क्या है नोटा का है? का है वो तो 5 साल में एक बार आते हैं वोट लेने के लिए। मोदी जी क्या करेंगे इसमें? मोदी जी तो यहाँ थोड़ी है, रविशंकर प्रसाद ने यहाँ देखेंगे। रविशंकर प्रसाद 5 साल के बाद आते हैं। अभी नहीं आए। हाँ तो नहीं, तो चुनाव का समय है, हम लोग शीर्ष नेतृत्व और प्रत्याशी दोनों देखते हैं, किस आधार पर वोटिंग होगी? वोटिंग क्या है, देखिए हम लोग, बारिश होता है सीधा गांव डूब जाता है, उधर पीछे नाला है, एक बार खाली सोलिंग लगा दिया गया, सारा रास्ता को बर्बाद कर। सांसद कभी आए हैं? कभी नहीं आए हैं। सांसद कभी आते हैं मिलने आपसे? क्या समस्या है? कल चीज बोलते है, नाला कितना बन गया, तो हम लोग के घर में पानी जाता है नाला से। मोदी जी कहते हैं मुफ्त अनाज देते हैं गरीबों को, आपको मिलता है? तो वही अनाज में लेके पेट खाली भरता है। अनाज मिलता है? मिलता है, कोटा वाला अनाज था। पैसा नहीं लगता है? नहीं लगता है। उसके और क्या मिलता? देवे के 30 किलो मिलता है, 25 किलो। वोट किस आधार पर देंगे? तो वोट लेवे ला तो बारी आवा ना, तो सब नेता आवा गोर पर है। चिराग पासवान आवा थी ना जा हथिन? चिराग पासवान जी तो भाई है, संबंध है। ये बताइए आपका यही पर मकान हुआ, वोट करने आप भी जाते हैं, एक सोच होता है कि हमें ये चाहिए, ऐसा नेता को अपनी सोच? किसी का वोट हम सब नहीं दे सकते हैं, किसी का वोट अभी नहीं पड़ेगा यहाँ से, इसलिए यहाँ पानी भरे तो हम पानी उछाली में हिल के जाते हैं सर। पूछिए सब है, कितना पानी होता है गले में, यहाँ पानी जम जाता है, स्कूल बंद हो जाता है, बताइए। देखिए ये सबलपुर पंचायत में एक गुस्सा है, क्योंकि ये जो हम जो जिस इलाके में है, यहाँ देख सकते हैं कि चारों ओर रास्ते की काफी संकीर्ण के साथ साथ कच्चा है, और ये आप देख सकते हैं कि ये पोखर है, और बरसात के दिनों में जब यह पूरे गांव का पानी इसमें लबलबा जाता है तो ये पूरा जो रास्ता है वह डूब जाता है, और पूरे बरसात जो है ये पूरा इलाका कचरे में तब्दील हो जाता है, ये स्थिति बनी रहती है। और यही गुस्सा है कि कई लोगों ने कहा कि हम नोटा का यूज करेंगे। सर क्या नाम हुआ पहले आप बताइए? मेरा नाम शंकर गुप्ता हुआ। गुप्ता जी, लोग कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि ये तो बीजेपी बनिया लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्या आप? नहीं नहीं, बनिया और हरजन रहने से क्या होगा विकास? विकास आधार पर वोट करें,
हाँ मैं, हम तो मोदी जी को करेंगे। किस आधार, आधार क्या होगा, क्या सोच कर? बहुत सारा देवे किए हैं, ठीक है, हमको नहीं मिला, किसी और भाई को तो मिला। विकास हुआ है? हुआ है। क्या विकास हुआ? जैसे राशन उशन मिलवे करता है, आज भी मिलता है, चाहे 5 ही किलो मिले। सांसद आपसे मिलने आते हैं, आपको एक सांसद को चुनिएगा, सांसद कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मतलब अभी जो वर्तमान में सांसद रविशंकर प्रसाद जी आपसे मिले हैं कभी? नहीं। क्या कुछ विकास उनके तरफ से? हम तो देखे भी नहीं है, चेहरा भी नहीं उनका देखे हैं। तो सिर्फ मोदी जी को जानते हैं? क्या विकास हुआ है कुछ आपके नजर में? हम तो नहीं बता सकते हैं सर की क्या हुआ है यहाँ पर, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। वोट करने जाएंगी तो कोई कहेंगे तब, पति कहेंगे तब वोट करिएगा? नहीं, मतदान है तो अपना तो मतदान तो हर कोई अपने से करता है। किनके कहने पर, किनको बटन दबाइएगा? पति जो कहेंगे, गांव वाला जो कहेंगे, वो भी आपने सोच कर अपना मर्जी से देंगे। तो कैसा कैसा सांसद चाहिए, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कैसा सांसद चाहिए? अच्छा चाहिए। मतलब अभी जो है सांसद वो ठीक है? मोदी जी का अभी ना है तो सर, प्रधानमंत्री ना है। सांसद तो आपके रविशंकर प्रसाद जी है, कांग्रेस से अंकुल तो अभी जीत है। नहीं, हम लोग नहीं, अभी कोई नहीं, नहीं देखे। पहले कभी वोट किया या पहली बार वोट? सर पहली बार वोट करेंगे सर। पहली बार वोट करने वाले को ज्यादा उत्साह होता है कि हम ऐसा वोट करें अच्छी सरकार जी, क्या ये सोच क्या होगा? वही मोदी जी हैं सर, बहुत बढ़िया काम किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन लोग युवा के लिए तो खैर सही में नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो तो अलग चीज है। लेकिन जो जगह पे अभी अभी हैं आप, वो जगह का देखिए, कहीं पे नहीं नाली है, नहीं कुछ है, विकास तो होना चाहिए। मोदी जी अच्छे क्यों? मोदी जी अच्छे क्यों नहीं है? जो भी अभी फिलहाल में है, जैसे कि रविशंकर प्रसाद के नाम लिए, तो अभी तक लिख क्या किए, उनको आकर के तो घूमना चाहिए, उनको तो हम कम से कम 5-7 साल से यहाँ पे कभी देखे नहीं। यानी आपके कहने का मतलब मोदी जी को चाहते हैं लेकिन सांसद नहीं? ठीक है, तो विकास कहाँ से होगा? देख रहे हैं यही विकास है, यही बिहार दिखाइए बढ़िया से। तो फिर मोदी जी को क्यों चाह रहे हैं? मोदी जी देखिए, अब यहाँ के नेता मोदी जी से कुछ कहेगा तभी ना मोदी जी कुछ करेंगे। मोदी जी से कोई सांसद बोलवे नहीं करता है, इसे मोदी जी दोषी हैं। वास्तविक बात है, मोदी तो अच्छे हैं लेकिन वर्तमान सांसद जो है वो ठीक नहीं है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है, ये दलित समाज में गुस्सा क्यों है? सर जी, हम बढ़िया तो पानी हिल जाता है, कादो पानी में बाल बच्चा तत्ते को गेदा गेदा पानी में अथी हो जाता है, कुछ ना नाला ना रोटा बनता है। लेकिन ये वोट जो होगा ये प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री वोट ले लग बाबू बाबू भैया भैया, अब नाला ना रोड ना कुछ ना बनावे तो कहा किस काम? रोड बनेगा तो वोट मिलेगा? हाँ, नाला बन जाएगा, रोड बनेगा तो वोट बने, तो ऐसे हम सब नहीं देंगे, बस पानी में। अच्छा ये बताइए कि कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है? महंगा तो है, कहाँ सहता चाव है, कहाँ सबके अनाज है? महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ गई है, सच्ची महंगाई बढ़ रहा है। सारा पैसा वोट किस आधार पर देने जाएंगे? तो कोई आधार नहीं, वोट हमारा काम करी नहीं है, आपको काम करी है वोट दे रहे हैं। बोलिए, आप दलित बस्ती में रहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? शक्ति पासवान। शक्ति पासवान आप हैं, पासवान जाति के एक नेता, कद्दावर नेता है चिराग पासवान जी। जी जी। अब वो एनडीए में है, लेकिन लोगों का गुस्सा दिख रहा है कि तो गुस्सा तो कुछ और दिख रहा है? लोगों का गुस्सा दिख रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिख रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिख रहा है, एनडीए गठबंधन के खिलाफ यह गुस्सा दिख रहा है, क्योंकि जो विकास होना चाहिए था, 10 वर्षों का सरकार में मोदी सरकार रही है, लेकिन उस प्रकार का विकास नहीं, महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, सिर्फ झूठ और झूठ बोला जा रहा है। चिराग पासवान जी आएंगे तो क्या वो गुस्सा? चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र देखेंगे, हमारा क्षेत्र पड़ता है पटना साहिब लोकसभा, इसके सांसद रविशंकर प्रसाद है, न कि चिराग पासवान। तो हम रविशंकर प्रसाद जी के बारे में बात करेंगे, और आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से बता दें, इससे पहले भी बीजेपी के सांसद रहे हैं, बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा रहे हैं, एक बार भी सबलपुर पंचायत में झांकी मारने न शत्रुघ्न सिन्हा जी आए हैं, न रविशंकर प्रसाद आए हैं। जिताते रहते हैं, हम लोग तो वोट करते नहीं है, हम लोग वोट नहीं करते हैं, और हम लोग तो इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारे सबलपुर पंचायत में लड़कियों के लिए हाई स्कूल का हम लोग काफी दिन से मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मांग रविशंकर प्रसाद जी द्वारा पूरा नहीं किया गया, तो हम लोग सबलपुर पंचायत वोट बहिष्कार करेंगे। आप भी क्या? नहीं सर, वोट देंगे नहीं देंगे।
वोट नहीं देंगे, वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं पड़ेगा कुछ। तो देखिए एक बार फिर वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि ये तस्वीर सबलपुर पंचायत में ब्याह कर रही है कि लोगों में किस कदर गुस्सा है कि लोग एक घर से दूसरे घर में आने जाने के लिए, ये अभी गर्मी का मौसम है लेकिन यही बारिश के मौसम में एक दूसरे के घर में आना जाना कितना मुश्किल होगा। स्कूल की स्थिति भी उसी तरह की है, घरों की स्थिति भी उसी तरह की है, और यही एक गुस्सा है जो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग वोट बहिष्कार कर देंगे लेकिन किसी को वोट नहीं करेंगे। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़ पटना।